हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सीखेंगे कि कैसे हम पासवर्ड लगाएं। बड़ा ही आसान तरीका है पासवर्ड लगाने का और आसानी के साथ आप पासवर्ड लगा सकते हैं। करना क्या है, जब आप सेव करने जाएंगे ना, यहाँ से ऑफिस बटन पे जाइए और जैसे ही आप सेव पे जाएंगे ना, ये सेव और सेव एज पे, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे नाम देंगे फाइल का, ठीक है। यहाँ पर आप नाम देते हैं फाइल का, तो नाम देने से पहले यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा टूल्स, तो यहाँ टूल्स पे आ जाइए और टूल्स पे आने के बाद जनरल ऑप्शन पे कर दीजिए क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पासवर्ड वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, और फिर एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बजाय कोई दूसरा पासवर्ड डाल दीजिए यहाँ पर, दोनों ही पासवर्ड आपको याद रखना है, ये बात आप रखिएगा याद, ठीक है। अब पहला वाला पासवर्ड एंटर कर दीजिए, तो ये मैंने पहला वाला पासवर्ड कर दिया एंटर। अब दूसरा वाला पासवर्ड एंटर करना है, तो ये हमने कर दिया दूसरा वाला पासवर्ड एंटर। अब इसको सेव कर देता हूँ कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पे इसे मैं अपने ही नाम से सेव कर देता हूँ इस तरीके से, ये देखिए ये हो गया, और इस तरीके से, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, तो ये देखिए ये डेस्कटॉप पे कर दिया सेव, और इसको अब यहाँ से भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं अब ये क्लोज हो चुका है और हमने सेव किया था सूरज टी नाम से, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। डबल क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन नहीं हो रहा है, ये कह रहा है पहले पासवर्ड डालिए। तो चलिए यहाँ पर कोई पासवर्ड डाल देते हैं जो हमने दिया था वो वाला, एंटर प्रेस करते हैं और फिर दूसरा वाला पासवर्ड जो हमने दिया था वो डाल दीजिए। अब प्रेस कर दीजिए एंटर, देखिए यहाँ पर दूसरा वाला पासवर्ड रॉन्ग हो गया, तो ये खुल नहीं रहा है। अभी मैं दूसरा वाला राइट पासवर्ड डालता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए ये खुल गया। इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पासवर्ड लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।